क्योंकि जो बच्चे इस मेरे मैसेज को सुन रहे हैं वो भी इस बुक का जरूर मुताला करें, क्योंकि ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है। हम कुरान को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इससे हमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है जो हम दूसरों को फैला भी सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं। और इल्म पढ़ के फैलाना तो ये हमारा एक फर्ज है, इल्म हासिल करना, और हम इसके जरिए हम दूसरों को बता सकते हैं, हम इसके जरिए इस्लाम को भी आगे पहुँचा सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बुक को हर तालिबे इल्म को पढ़ना चाहिए, इससे हमें बहुत कुछ मालूम होता है। हमें जो 1 से लेकर 8 क्लास तक जो कुछ नहीं मालूम होता वो इसी से मालूम होता है। इसको ही हम पढ़ के एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान बन। रहमान रहीम, मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ लाल पब्लिक स्कूल में। मुझे एक किताब मिली जिसमें हजरत आदम अलैहि सलाम का किस्सा था, उससे मुझे बहुत मालूम हासिल हुई जो मुझे पता नहीं था, उसमें मुझे मालूम हासिल करने को मिला, और मैं यही कोशिश करूंगा कि माशरे में फैलाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सिद्दीक है, मैं लाल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। इस बुक से हमें बहुत फायदे मिले हैं और इससे मेरी तालीम बहुत अच्छी हो रही है, और इसकी जितनी भी मालूम है मैं अपने घर में पहुँचाती हूँ, और ये इसकी सारी मालूम से मेरे घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि मेरी बच्ची एक इस्लामिक तालीमात हासिल कर रही है और इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें। मेरा नाम एमन निसार है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम लाल पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में मैं मुताले कुरान हकीम के हवाले से पढ़ती हूँ और इससे हमें बहुत फायदे हासिल हुए, इससे हमारा माशरा अच्छा हो सकते हैं। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस्लामी तालीमात हासिल कर सकूँ, और मैंने ये बात अपने घर वालों और अपने दोस्तों सब तक पहुँचाई, तो सब लोग ये पढ़ने लगे और इससे इल्म हासिल करने लगे। हमारे टीचर्स हमें ये